गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार बुधवार को अचानक शहर का भ्रमण किया। एडीजी जोन के शहर में पहुंचने पर एसपी सिटी सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप कुमार वर्मा, राजघाट थाना प्रभारी अरुण पवार समेत अन्य पुलिसकर्मी के साथ पैदल गश्त कर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडीजी जोन नखास चौक, रेती रोड, घंटाघर होते हुए हालसीगंज पहुंचे और बंधु सिंह पार्क में उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठकर चाय पर चर्चा की। व्यापारियों से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और उनसे संवाद स्थापित किया कि कैसे पुलिस और आम जनमानस के बीच संवाद बना रहे, इसको लेकर व्यापारियों से चर्चा की। इस मौके पर व्यापार मंडल द्वारा एडीजी जोन को शाल उड़ाकर स्वागत किया गया, जिस पर एडीजी जोन ने कहा कि यह शाल बेहतर होगा कि किसी गरीब को दे दिया जाए, जिससे कि उसको कुछ काम आ जाएगा। इस पर एडीजी ने अध्यक्ष के साथ शाल को ठेले पर सब्जी बेच रहे एक बुजुर्ग को पहनाया। यह देखकर लोगों ने एडीजी जोन के इस कार्य की सराहना की। इस दौरान एडीजी जोन ने बसंतपुर चौकी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन में रह रहे पुलिस के जवानों से उनका हाल पूछा और वहां की स्थिति को देखकर उसे और बेहतर करने का निर्देश दिया। एडीजी जोन वहां से पैदल हासोपुर पांडेहाता होते हुए गश्त किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, गर्मी में गर्मी लगती होगी, पानी टपकता है बारिश में। ऊपर क्या है, छत पे खाली है, खाली है। जैसे ये लोग ने काम ही बहुत अच्छा है, अध्यक्ष को ले आना तो फिर काम का कुछ हो सके, कुछ हफ्ते से भी उसको व्यापारी को बुला लेना, एक को काम ऊपर उतर दे देंगे। फुट पेट्रोलिंग शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है जिसमें आप पैदल चल के जनता से संवाद करें और जनमानस में सुरक्षा की भावना को बढ़ाएं। उसी उद्देश्य से आज किया गया, प्रतिदिन करना है हमें, कहीं ना कहीं किसी किसी क्षेत्र में करते हैं, वही उसी की शुरुआत की है कि आज हम ये घंटाघर और से होते हुए इस स्थान पर पहुँचे हैं चलते हुए। तो जैसे जाते वक्त हमने बीच में सराफा बाज़ार मिल गया, तो सराफा बाज़ार के पदाधिकारी लोग मिल गए और उनके साथ फिर बैठ के चर्चा की गई और चाय पर चर्चा की गई और बैठ के उनकी क्या परेशानियां हैं, कैसे सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, इस पर हम लोगों ने उनके साथ बैठक करके गोष्ठी किया और एक इस तरह से संवाद भी बैठा उनके साथ और एक सुरक्षा व्यवस्था उनकी क्या चल रही है, नहीं चल रही है, हमारे स्थानीय कर्मी कैसा कर रहे हैं वहाँ पर, उसके थोड़ी आंकलन भी किया गया। असल में वहाँ पर जो है ना, वो जो अध्यक्ष हैं उन्होंने हमें शॉल दे रहे थे। हमने बोला, देखिए साहब,
हमें शॉल की ज़रूरत नहीं है, उचित होगा कि किसी गरीब व्यक्ति को ये शॉल मिल जाए, क्योंकि हम शॉल ले लेंगे लेकिन रख जाएगा हमारे घर पे। और मैंने कहा इस वक्त ठंड का वक्त, अगर हमारे अगल बगल बहुत गरीब दिख रहे हैं, गरीब में भी कोई बुजुर्ग को मिल जाए। तो मैंने सामने देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखे हमें और सब्जी बेच रहे थे। मैंने बोला क्यों नहीं आप इनको देते हैं, और उन्होंने सहर्ष उन्होंने स्वीकारा। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने शॉल उस गरीब व्यक्ति को दिया, एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ।